मायसेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने फर्स्ट स्टेप जो हमारा देखा था वो था आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स। तो उनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सहायता से आइडेंटिफाई करते हैं एंड आइसोलेट कर देते हैं। देन सेकेंड हमारा स्टेप है इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन्स इंटू वैक्टर्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा काटे गए डीएनए सेगमेंट्स संख्या में बहुत अधिक होते हैं। इनमें से कुछ एक सेगमेंट्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस हो सकते हैं, जबकि कुछ एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस होने वाले जीन्स की स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि ये अपनी इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए के रूप में ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। ऐसे जीन्स जो कि एमआरएनए को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, केवल ऐसे जीन्स को ही काम में लेते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ए जीन्स की आरएनए की सहायता से कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज तैयार कर ली जाती हैं, जिन्हें कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। आरएनए से जीन्स या सीडीएनए के निर्माण को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। कैसे होगी ये क्रिया? देखो, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा, सॉरी डीएनए से एमआरएनए बनेगा और फिर एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। अब पर्टिकुलर जो एक्सप्रेस करने वाले जीन है सिर्फ उन्हीं से एमआरएनए बनेगा, नॉन एक्सप्रेसिबल जीन्स जो होंगे वो वहीं रह जाएंगे। तो अब जो सीडीएनए बनेगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्सप्रेसिबल जीन्स का डीएनए ही बनेगा। ये स्टेप जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा की जाती है, जो कि कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इस प्रकार निर्मित डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए को किसी उपयुक्त वैक्टर के साथ इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि वैक्टर के साथ साथ इस जीन की संख्या में वृद्धि की जाती है। जीन्स की संख्या में आर्टिफिशियल तरीके से वृद्धि करने को ही डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग के द्वारा बड़ी संख्या में निर्मित सीडीएनए को सीडीएनए लाइब्रेरी कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक उपयोगी डीएनए सेगमेंट को एक अन्य सूक्ष्म लेकिन कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन कर सकता है। इस रेप्लिकेटिंग डीएनए के साथ जोड़ा गया इच्छित जीन भी क्या हो जाएगा, अब रेप्लिकेट होता जाता है, जिससे कि इसकी संख्या में वृद्धि होती है। डिजायर्ड जीन को जिस सूक्ष्म डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा जाता है उसे हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर और डिजायर्ड जीन को जोड़ने का कार्य जो है वो लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट हमने क्या कर लिया, एमआरएनए से सीडीएनए का निर्माण कर लिया। अब इस सीडीएनए के एक सेगमेंट को हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल से जोड़ देंगे। उस डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ इसका भी रेप्लिकेशन होता जाता है। सीडीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, काइमेरिक फॉर्मेशन या हाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए निर्माण भी कहते हैं। अब है क्लोनिंग वेक्टर्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल सोर्स से प्राप्त डिजायर्ड जीन का एडजस्टमेंट करके एक किस्म तैयार की जाती है। एक्सटर्नल सोर्स से डिजायर्ड जीन के वाहन का कार्य करने वाली युक्ति जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि वास्तव में प्लाज्मिड या वायरस के इस जीनोम होते हैं, जो कि डिजायर्ड फॉरेन डीएनए को खुद से जोड़ने के बाद वेक्टर के रूप में उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने में सक्षम होते हैं। प्लाज्मिड का वेक्टर के रूप में सबसे पहले उपयोग जो है वो कोहन ने किया था। वेक्टर वास्तव में क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके साथ एक दूसरे डीएनए सेगमेंट को जो कि डिजायर्ड जीन है उनको जोड़ करके उनकी क्लोनिंग की जाती है। एक वेक्टर या वाहक प्लाज्मिड में निम्न कैरेक्टर होने चाहिए तभी उसके साथ डिजायर्ड जीन को क्लोन किया जा सकता है। फर्स्ट, इसका मॉलिक्यूल छोटा होना चाहिए। रिसेप्टर सेल में इसकी आसानी से रेप्लिकेशन संभव होनी चाहिए। वेक्टर में क्लियर और एप्रोप्रिएट मार्कर जीन होने चाहिए, जिससे कि जो भी फॉरेन जीन है उससे संयुक्त होने की स्थिति में इसे पहचाना जा सके। वाहक या वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट की स्थिति ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे कि वेक्टर के कार्य में बाधा नहीं हो। फॉरेन जीन के एडजस्टमेंट के पश्चात रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की पहचान क्लियर और सरल होनी चाहिए। प्रेजेंट में वेक्टर के रूप में इकोलाई प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और इनके डेरिवेटिव्स कॉस्मिक्स का उपयोग किया जाता है। इकोलाई का इस कार्य के लिए सबसे पहले उपयोग किया गया था। इकोलाई को निहित स्पेसिफिसिटीज के कारण क्लोनिंग के लिए उपयुक्त माना गया है। फर्स्ट, इसकी डीएनए की स्ट्रक्चर
और दूसरी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ पूरी तरह से ज्ञात हैं। इसके प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को क्लियरली कैरेक्टराइज किया जा चुका है। इकोलाई की एक सेल से दूसरी सेल में डीएनए ट्रांसफ़र की इफ़ेक्टिव टेक्निक्स विकसित की जा चुकी हैं। एट प्रेजेंट प्लाज्मिड के अतिरिक्त भी निम्न कई स्ट्रक्चर्स का क्लोनिंग वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। फर्स्ट है प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, ट्रांसपोजेंस, फेजमिट्स, शटल वेक्टर एंड दूसरे माइनर वेक्टर्स। तो अभी तक हमने इसके दो प्रोसेस देखे हैं। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स एंड सेकेंड है इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू वेक्टर। वेक्टर के रूप में यहाँ पर ही निम्नलिखित काम कर रहे हैं, इनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।